खाना मिले ना मिले पर भाई यहाँ गाड़ी जरूर होनी चाहिए। इंसान कम और यहाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ ज़्यादा। गरीबों का क्या यार, जूता सिलवाना है। अमीर होते तो नए ले लेते। ओ भाई साहब, कितने कुत्ते पड़ रहे हैं देवे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर देहरादून से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मैं कल देहरादून आया। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मैं देहरादून आ रखा हूँ, तो कुछ काम है क्योंकि भाई की जो बाइक थी उसकी सर्विसिंग करानी थी, तो कुछ और भी काम थे मेरे, उसके लिए मैं देहरादून आया है। एक बार आपको यहाँ का मौसम दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, मौसम बादल भी है पर जो धूप है बड़ी ख़तरनाक लग रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, दूर दूर तक मकान ही मकान आपको नज़र आएंगे और पेड़ तो बहुत कम है। ये देखिए आप, पूरे मकान हर जगह। देखते हैं आज क्या क्या प्लान होते हैं, आज क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन यार सच बताऊँ तो यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्योंकि गांव की बात ही अलग होती है। इन शहरों में मन नहीं लगता है, मजबूरी में यहाँ रहना पड़ता है, नहीं तो जो अपने पहाड़ों में मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आज या कल वो काम निपट जाए, मैं अपना फिर से गाँव चले जाता हूँ। तो चले आज देखते हैं क्या क्या होता है। तो हाल फिलहाल मैं पहले जा रहा हूँ भाई की मेडिकल पर। हम मेरा भाई है, मेरे गाँव का है, मेरे बड़े भाई हैं, तो उनका मेडिकल स्टोर है यहाँ आयुर्वेदिक, तो थोड़ा उनसे मिलके आ जाता हूँ। चलिए यार चलते हैं, इन जगहों पे तो मन नहीं लग रहा मेरा। यहाँ जो धूप लग रही है ना, क्योंकि मैं बहुत महीने बाद देहरादून आ रहा हूँ तो मुझे सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पहाड़ों की आदत पड़ गई थी। वहाँ तो अभी मैंने जैकेट पहनी थी, लेकिन यहाँ तो ये स्वेटर भी इतनी गर्म हो रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। और यहाँ का माहौल ही अलग है भाई। अभी तो गांव में होता तो कितना मज़ा होता, लेकिन यहाँ घर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा। यहाँ तो पंखे स्टार्ट हो गए दिन में। अब आज मुझे पैदल ही जाना है, क्योंकि बाइक तो गांव में है। तो मैं दूसरे भाई के साथ आया था, उनकी बाइक काम था यहाँ, तो मैं उन्हीं के साथ आ गया था। और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो विक्रम भी नहीं चलते, यहाँ से तो आधा किलोमीटर बाहर मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा पहले। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, मन यहाँ नहीं लगता है। जो अपने पहाड़ों का मज़ा है ना भाई, इन शहरों में तो पता नहीं लोग क्यों रहते हैं। हमारा मन तो अभी पहाड़ में है और घर की याद तो आ रही, बल्कि मुझे एक रात हुई यहाँ अभी, लेकिन याद ऐसी आ रही जैसे कि 10 साल हो गए यहाँ। चलिए चलते हैं, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, पसीना छूट रहा है भाई। 20 मिनट से मैं चल ही रहा हूँ और यहाँ तो भाई ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है कि कैमरा हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा है। कुछ बोल रहा हूँ तब तक इतनी उमस हो रही है कि मन ही नहीं कर रहा है कुछ, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी में आ गए यहाँ। यहाँ तो हम आना नहीं चाहते यार, क्योंकि जो स्वर्ग अपने पहाड़ों में है ना वो यहाँ नहीं है। यहाँ पैसा ज़रूर है, लेकिन इंसान के साथ खिलवाड़ है यहाँ। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, मैं तो गलियाँ ही बोलूँगा, भले सड़क है पर बहुत कंजेस्टेड है यहाँ। इधर उधर लोगों के मकान बने हुए हैं और ये बैंड तो इतना ख़तरनाक है। यहाँ इन्होंने ये मिरर लगा रखा है, अगर ये मिरर नहीं होता यहाँ टक्कर हो सकती थी कभी भी। और वहाँ पे भी उन्होंने मिरर लगा रखा है, देखिए आप, बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक हुआ यहाँ पे बैंड। जैसे जा रहा था तब तक भाई की गाड़ी मिल गई, हमारे डॉक्टर साहब जिनको मिलने में जा ही रहा था, और यहीं पर मिल गए मुझे। मन गया आप, बहुत बहुत बधाई हो। तो यार भाई ने मेरे को थोड़ा लिफ्ट दियो, मैं बाहर तक आ गया, भाई का अपना काम था तो थोड़ा मेरा अपना है तो उनको निपटा देता हूँ। और आप देख रहे हैं यार कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ये देखिए आप, हर जगह हल्ला ही हल्ला, गाड़ी का हल्ला। चल रहा हूँ यार इस शहर में, ना कोई जानने वाला ना कोई पहचानने वाला, चल रहा हूँ सड़क के किनारे किनारे। यही होता है भाई इंसान का, जब तक आपको फेम नहीं मिलता तब तक आपको कोई नहीं जानता। जिस दिन YouTube चलेगा ना उस दिन मेरे को ऐसा घूमना भी बहुत कंफ्यूज लगेगा, बहुत अटपटा लगेगा ऐसा खुला घूमना भी। आज तो कोई नहीं जानता आपके भाई को, जिस दिन जानेगा, आप लोगों का सपोर्ट होगा तो एक दिन भीड़ मेरे साथ होगी। चलिए चलते रहते हैं, क्या क्या होता है, ऐसी दुनिया है, ऐसी चलती रहती है। यार मेरा जूता फट गया था, इसको सिलाने आ रखा हूँ।
गरीबों का क्या यार, जूता सिलवाना है, अमीर होते तो नए ले लेते। यह है बंगाली कोटी चौक, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ शहरों में, आप देख सकते हैं। बस यहाँ आदमी कम और गाड़ियाँ आपको ज्यादा दिखेगी। बस चलते रहो, गर्मी भी बहुत ज्यादा है यहाँ, हालत खराब हो गई यहाँ, इतनी गर्मियाँ। और जूता तो आप देख रहे हैं, गरीबों का जूता पड़ गया था, उसको सिला रहे हैं। चलिए जूते भी सिल दिए हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है आज। मैं तो ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ तो गाड़ियाँ एकदम झस आ रही, कोई रॉन्ग साइड आ रही, कोई कहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा यार गाड़ियों का। यहाँ तो समझो आप कि अगर आप अपनी साइड पर चल रहे हैं ना तो कोई भरोसा नहीं पीछे से कब आपको कोई ठोक दे, इसीलिए ब्लॉगिंग करना काफ़ी टफ है इन सड़कों पर। दिखाता हूँ नज़ारा आपको आगे का, यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और अपने पहाड़ में कैसा है बिंदास एकदम। अभी मैं छोले समोसे खा रहा हूँ, गरीब लोग तो यही खाते हैं भाई, पैसे होते तो खाना खा लेते, छोले समोसे खा लेते हैं ताकि 20 रुपये में काम बन जाए। छोले समोसे तो खा लिए, अब चाय पी लेते हैं, भले यहाँ इतनी गर्मी है पर उसके बाद भी चाय पीने का मन कर रहा है। ओ भाई साहब कितने कुत्ते पड़ रहे हैं, देखो यहाँ कितने सारे कुत्ते सो रखे हैं, खतरनाक सो रखे। अरे अब कुत्ते भी क्या करेंगे इस गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी लग रही है। गाड़ियाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे से कितनी आ रही, देखो यहाँ इंसान कम और यहाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ ज़्यादा, और ख़तरा भी ऊपर से अगर आप पैदल चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, मुश्किल से आधा घंटा चलते चलते अब जाके मैं कमरे के पास पहुँचने वाला हूँ, तो पहले कमरे पे चलता हूँ, यहाँ तो मन नहीं लग रहा है, बेकार है यार यहाँ इस धूप में और इस बेकार इस गंदगी में। ये देखिए यार आप, मतलब क्या ज़िंदगी है यहाँ की, कसम से बेकार जिंदगी है भाई। यहाँ के तो कुत्तों के भौंकने में भी दम नहीं यार, तो होना नहीं उसको भी शहर की हवा लग गई इनको। अपने जो पहाड़ के कुत्ते होते हैं ना तगड़े भाई साहब, वो उस कंडीशन में जीते हैं जिस कंडीशन में इनकी बस की नहीं है। इनके सामने अगर हम शेर का नकली वो डमी भी रख देंगे ना, ये भाई साहब ये वैसे हार्ट अटैक आ जाएंगे उन कुत्तों को। चलिए मेरा कमरा भी अब आने वाला है और चलते हैं भाई, अब बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे पैदल चल के पहुँचा हूँ यहाँ तक। यहाँ तो अगर गाड़ी नहीं है ना बेकार है, खाना मिले ना मिले पर भाई यहाँ गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए। इस गर्मी में तो इतनी ख़तरनाक गर्मी हो गई कि मेरा एकदम सर इतना गर्म हो रहा है कि सर दर्द हो रहा है। तो दोस्तों अब जाके कमरे पे पहुंचा हूँ, और बेकार हाल है यार शहरों का। अगर सच बताऊँ आपको, मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग क्यों यहाँ आना चाहते हैं यार, कसम से जो पहाड़ में स्वर्ग ना मेरे भाई, मैं तो जीते जी यहाँ नहीं आऊँगा कभी, मजबूरी में आना पड़ता है यहाँ, नहीं तो भाई यहाँ रियल में मैंने आज एक दिन देखा, 2-3 घंटे पैदल चल के देखा मैंने, मेरी तो भाई साहब मैंने सोचा मरता हूँ आज। अब पहाड़ों में आप सारा दिन भर भी घूम लो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गर्मी नहीं है, फर्स्ट क्लास शुद्ध हवा है, बेकार है भाई मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, मुझे तो घर जाना है यहाँ से। आज देखा आपने हल्ला है, पॉल्यूशन है, हर चीज़ है यहाँ, वो तो थोड़ा ऐसा नहीं कि थोड़ा सुविधाएं हैं यहाँ, बाकी तो कुछ नहीं है भाई यहाँ। अपना पहाड़ सबसे बढ़िया है भाई, अपना गांव अपना पहाड़ कभी मत छोड़ो, मैं एक ही बात बोलूँगा, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। अगर आपका जन्म पहाड़ों में हुआ है और आप उस पहाड़ को छोड़कर वापस आ रहे हैं यहाँ शहरों में, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़ा कपड़े उनको भी धुलना है। तो उम्मीद है आपको
ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहाड़ी भाई पीलो चाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव भूमि उत्तराखंड।